Hello kids, how are you all? I hope you all are well at home. Am I right? Very good. Kids, welcome back. Here, I am Jyotsna from the Wisdom School, Sirsa. Kids, now assembly time. अभी कौन सा टाइम है बेटा आपका? असेंबली टाइम. और आज मैं असेंबली टाइम में आपको क्या करवाने वाली हूँ बेटा? कमांड्स. ओके, रिवीजन ऑफ कमांड्स. बच्चे, कमांड्स क्या होती है कि आपकी मैम आपको कुछ कहती है या घर के कुछ कहते हैं तो आपको मानना पड़ता है. एक टाइप में ये ऑर्डर होता है, बट आप लोग बहुत छोटे हो तो आपको ऑर्डर तो किया नहीं जा सकता. तो आपको आप ये जो कमांड्स होती है ना, ये इसलिए होती है कि आप अच्छे से कहना मानो. ओके, तो अभी हम लोग रिविजन ऑफ कमांड स्टार्ट करने वाले हैं. तो आपकी बेटा फर्स्ट कमांड है, सिट प्रॉपरली इन द क्लास. जैसे अगर आप क्लास में बैठे हो और आप प्रॉपर वे से नहीं बैठे हो तो आपकी मैम आपको क्या बोलेंगी? सिट प्रॉपरली इन द क्लास. क्लास में प्रॉपर ढंग से बैठा करो. ओके, ऐसे ही आपकी नेक्स्ट कमांड है, वो है बेटा वाइप योर नोज. अगर आपकी नोज ही निकल रही है तो आपकी मैम क्या बोलेंगी? अपनी नोज को वाइप करो, क्लीन करो, हैंकी लो और अपनी नोज को अच्छे से साफ करो. ओके बेटा, अब आपकी नेक्स्ट कमांड है बेटा ब्रश योर टीथ, कि अपने टीथ को ब्रश करो अच्छे से. ओके, ब्रश करते हो आप तो अपने टीथ को अच्छे से ब्रश किया करो. इसके बाद आपकी नेक्स्ट कमांड है बेटा रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, टीचर्स, एल्डर्स. बेटा हमें ना सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. क्या करनी चाहिए बेटा? रिस्पेक्ट. अगर कोई बड़ा इंसान कहता है हमें कुछ भी तो हमें उसका कहना मानना चाहिए ना. आपके मम्मा पापा आपसे बड़े होते हैं तो आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कहना मानना चाहिए. टीचर की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. जो भी आपके घर में बड़े हैं या छोटे हैं, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ओके बेटा, इसके बाद आपकी नेक्स्ट कमांड है थ्रो वेस्ट पेपर इन द डस्टबिन. अब आप लोग कुछ भी खाते हो तो जो पेपर होता है वेस्ट, उसको फ्लोर पे गिर देते हो या कहीं पर भी गिर देते हो? नहीं, कहां पे गिरना है आपको? डस्टबिन में. तो कैसे बोलेंगे? थ्रो वेस्ट पेपर इन द डस्टबिन. ओके बेटा, अब आपकी नेक्स्ट कमांड है डोंट लुक बैक. डोंट लुक बैक. जैसे बेटा आप कहीं देख रहे हो, बैठे हो, अगर आप अपनी क्लास में आप ऐसे करके पीछे देख रहे हो, उसको देख रहे हो, है ना, ऐसे करके पीछे की तरफ, तो आपकी मैम क्या बोलेंगी? डोंट लुक बैक, पीछे की तरफ मत देखो. ओके, डोंट लुक बैक. क्लियर. इसके बाद आपकी नेक्स्ट कमांड है बेटा ज्वाइन योर फीट. आपकी फीट होते हैं ना, आपके पैर, उनको अच्छे से ज्वाइन करो. ओके, हम लोग क्या करते हैं कई बार असेंबली में बोलते हैं ना बेटा ज्वाइन योर हैंड्स, तो आप ऐसे हैंड्स ज्वाइन करते हो. और जब हम कहते हैं कि ज्वाइन योर फीट, तो एकदम ऐसे अटेंशन की पोजीशन में फीट एकदम ज्वाइन होते हैं आपके. ओके, ज्वाइन मतलब मिलाना. क्लियर. नेक्स्ट आपकी कमांड है बेटा कीप योर फिंगर ऑन योर माउथ. आप बहुत शोर मचाते हो, है ना, तो आपकी मैम क्या बोलती है आपको? कीप योर फिंगर ऑन योर माउथ. अपने माउथ पे फिंगर रखो ताकि आप बोल ना पाओ. कीप योर फिंगर ऑन योर माउथ. ओके बेटा, नेक्स्ट कमांड है आपकी पुट योर हैंकी इन योर पॉकेट. आपका हैंकी है, अगर वो टेबल पर पड़ा है या कहीं पर भी पड़ा है तो उसको ऐसे मत रखो. आप अपना हैंकी अपनी पॉकेट में रखो. तो कैसे बोलेंगे आपकी मैम? पुट योर हैंकी इन योर पॉकेट, कि आप अपना हैंकी अपनी पॉकेट में रखो. ओके बेटा, इसके बाद आपकी नेक्स्ट कमांड है बेटा डोंट मेक अ नॉइस. डोंट मेक अ नॉइस मतलब शोर मत करो. कई बार क्या होता है, पूरी क्लास डिस्टर्ब करती है हर चीज को, हर एक को, है ना, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है ना जब आप बहुत शोर मचाते हो. तो आपकी मैम क्या कहती है? डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो तो क्या बोलती है? डोंट मेक अ नॉइस, शोर नहीं करो. ओके, तो उसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड है पुट योर बुक्स इन योर बैग. अगर आपकी जो बुक्स है सारी की सारी टेबल पर पड़ी है या घर पे आपने इधर उधर बिखेर रखी है, तो आपकी मम्मा या टीचर क्या कहती है स्कूल में, क्लास में क्या कहती है? पुट योर बुक्स इन योर बैग. अपनी जो बुक्स हैं वो अपने बैग में रखो. वो बैग में रखो, पुट योर बुक्स इन योर बैग. ओके बेटा, अब आपकी लास्ट कमांड है, वो ये है डोंट लुक हेयर एंड देयर. बेटा कई बार क्या होता है, आप क्लास में बैठे हो, कभी इधर देख रहे हो ऐसे करके, कभी ऊपर देख रहे हो, कभी इधर देख रहे हो, कभी नीचे देख रहे हो, तो आपकी मैम क्या बोलेंगी? डोंट लुक हेयर एंड देयर. अरे इधर उधर क्यों देख रहे हो? मत देखो इधर उधर. ओके, कई बार मैम ये भी बोल रही थी ना, लुक एट द फ्रंट, सामने की तरफ देखो, है ना, तो आपकी मैम क्या बोलेंगी? अगर आप इधर उधर देखोगे तो
डोंट लुक हेयर एंड देयर। ओके बेटा, ये सिंपल कमांड्स थी जो आपकी डेली लाइफ में यूज होती रहती हैं, है ना, और आपको इनको अच्छे से समझना है। करोगे ना बेटा? ओके, बाय बाय, टेक केयर।